हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल दम आलू। हर कोई चाहता है कि ढाबा स्टाइल या होटल स्टाइल खाना घर पर आसानी से बनाया जाए, पर इसका जो भी कलर है या टेस्ट है वो घर पे आएगा कि नहीं, इसका टेंशन सभी को रहता है। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से इस ढाबा स्टाइल दम आलू को बनाएंगे हम अपने ही किचन में। और अगर आप एक बार इसको अपने किचन में बनाने का ट्रिक जान लिए तो कभी भी होटल में जाके इसको ऑर्डर नहीं करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दम आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने छोटे साइज के आलू यानी कि बेबी पोटैटोज ले लिए और इसको छील के पानी में डुबो दिया था। अभी हम इस तरह से इसमें फोर्क की सहायता से होल कर देंगे। ऐसा करने से जो मसाले हैं या नमक जो भी टेस्ट है वो आलू के अंदर अच्छे से जाता है। अगर आप इस तरह से फोर्क से होल नहीं करेंगे तो आलू के अंदर नमक नहीं जाएगा, जब हम खाएंगे इसको तो आलू में से कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह करने से ये बहुत ही जल्दी पककर रेडी भी हो जाता है। तो अभी इसी तरह से मैं फोर्क से सभी आलू में होल कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने सभी आलू में अच्छे से होल कर लिए हैं। तो अब हम अपने मसालों को ग्राइंड करके रेडी कर लेंगे। तो मसालों को ग्राइंड करने के लिए मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है। इसमें दो मीडियम साइज़ के ऑनियन है जिसको रफली चॉप कर लिया है, एक इंच अदरक और 5 से 6 गार्लिक लिए हैं। अभी हम इसको ग्राइंड करके फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। और अभी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अभी हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी जार में हम टमाटो को भी ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फार्म वाला टमाटो लिया है जो खट्टा नहीं रहता है। अब खट्टा वाला टमाटर लेंगे तो आलू का टेस्ट जो है वो खट्टा खट्टा लगेगा। तो अब इस तरह से यही वाला टमाटर लीजिए और इसको हम रफली चॉप करके मिक्सर जार में डाल लेंगे। 8 से 10 सूखी लाल मिर्ची है और 6 से 7 कैशू नट है। अभी हम इसको भी फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे टमाटर का भी फाइन पेस्ट बनकर रेडी है। तो अभी दम आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। और जैसे ऑयल अच्छे से गर्म होगा सबसे पहले हम अपने आलू को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो एक एक करके हम आलू इसमें डाल देंगे। ऑयल गर्म है तो हम धीरे धीरे करके इसमें आलू को डालते जाएंगे। और अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि आलू जो है अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए और इसमें कलर भी आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये अच्छे से पक चुका है। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अभी मैंने सारे आलू प्लेट में निकाल लिए। तो उसी ऑयल में हम यहाँ पर खड़े मसाले डाल देंगे। अगर कोई भी ढाबा स्टाइल रेसिपी हम बनाते हैं तो उसमें खड़े मसाले जरूर डाले जाते हैं। और अभी मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो हमने प्याज का पेस्ट बना के रखे थे उसको भी हम इसमें डाल के अच्छे से इसका कच्चा स्मेल जाने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। और अभी ऑनियन हल्का भून चुका है तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और अभी इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट तक और भून लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले जो है अच्छे से भून चुका है। तो जो हमने टमाटर का प्यूरी बना के रखे थे उसको इसमें डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर भूनने देंगे और ऑयल छोड़ने तक हम इसको भून लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑयल है ऊपर आ चुका है और हमारे मसाले जो है अच्छे से भून चुका है। और अभी मसाला अच्छे से भून कर रेडी हो चुका है तो हमने जो आलू फ्राई करके रखे थे उसको इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो यहाँ पर मैं इसमें डाल दूंगी स्वादानुसार नमक। और अभी मैं इसमें डाल दूंगी दम आलू की जान यानी कि गरम मसाला। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला ले लिया मैंने यहाँ पर। और अभी इन सारे मसालों को हम अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। और अभी आलू और मसाले को अच्छे से पकाने के लिए 1/2 गिलास यहाँ पर मैं इसमें गर्म पानी डाल दूंगी और इसको 4 से 5 मिनट तक हम और ढक के पका देंगे। और अभी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसका ढक्कन हटा देंगे, ऊपर से इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दम आलू में कितना बढ़िया कलर आया है और ये पककर रेडी हो चुका है। तो बिना किसी सीक्रेट वे के हम बहुत ही आसान तरीके से इस ढाबे स्टाइल दम आलू को बनाकर रेडी कर लिए, वो भी अपने ही किचन में सिर्फ 20 मिनट्स में। और एक बार अगर आप अपने किचन में इसको बनाकर ट्राई कर लिए तो आप इसको ढाबा में जाके या होटल में जाके कभी ऑर्डर नहीं करेंगे।
तो अभी इस बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल दम आलू को आप भी बनाकर रेडी कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।